नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीपक चक्रवर्ती। आईमैक जोन में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज फिर से आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एप्पल मैक में माउस पॉइंटर को हाइलाइटर की तरह यूज़ कर पाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन स्कूल या फिर यूट्यूबर्स हैं। एक बात का ध्यान दीजिए, ये हाइलाइटर सिर्फ कैटलिना से नीचे वाले वर्जन के लिए ही काम करेगा और ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास OS X कैटलिना या उसके ऊपर वाले वर्जन है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैक से रिलेटेड कुछ जरूरी लिंक दिए गए हैं, उन्हें भी आप जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे मैं भी एक हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ का मैंने ब्लू कलर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि आप जैसे ही मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाएंगे, लिंक में जा करके और इस तरीके का लिंक आपको दिखाई देगा, उसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइलाइटर डाउनलोड हो रहा है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी दो बार कर रखा है। इसके बाद आप इसको, जब डाउनलोड हो जाएगा कम्प्लीट, आप इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद, डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद, ब्राउज़र को बंद कर दीजिए और फिर आप गो में जाइए और डाउनलोड के फोल्डर्स में चले जाइए, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, या फिर यहीं से नीचे से डाउनलोड्स आप देख रहे होंगे, ये जो आपके डॉक स्टेशन में है यहां पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आप आपका हाइलाइटर ऑलरेडी डाउनलोडेड है। इसको या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्लीकेशन के फोल्डर में इस तरीके से डाल दीजिए, या फिर यहीं पे जा करके कॉपी हाइलाइटर, फिर गो में जाइए और एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ जाकर एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए, मतलब कहने का ये है, वहाँ जाकर के आप हाइलाइटर में जाकर पेस्ट कर दीजिए। इसको पेस्ट में क्लिक कर दीजिए, फिर हाइलाइटर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी, देख रहे हैं आप, हाइलाइटर पेस्ट किया हुआ है। जब यहाँ पेस्ट हो जाएगा तो आप इस हाइलाइटर को डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है। यहीं पर आप हाइलाइटर के में क्लिक करेंगे और इसमें प्रेफरेंस में चले जाइए। प्रेफरेंस में जाने के बाद आप देखिए इसमें ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से अगर आप इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे तो आपका ये ऑफ हो जाएगा हाइलाइटर। इसी तरह से आप सर्कल साइज में आप चाहेंगे तो इसको यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से आप इस सर्कल के जो थिकनेस है, थिकनेस को मोटा और पतला कर सकते हैं। देखिए ये मैंने मोटा कर दिया, पतला कर दिया, अपने यूज़ के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन ये कैटलिना से नीचे वाले वर्जन पर ही काम करेगा। अगर आप इसको स्क्रॉल करके दूसरे विंडो में जाते हैं तो वहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है, वहाँ पर ये हाइलाइटर आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ मेन स्क्रीन पे ही आपको हाइलाइटर का जो है शो करेगा और कहीं भी नहीं शो करेगा। तो अगर आपको कैटलिना के ऊपर वाले वर्जन पर ये हाइलाइटर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, जो कि फ्री नहीं मिलता, परचेज करना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहाँ से आप देखकर कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, वो सिर्फ 70 रुपये से 100 रुपये तक ही है, लाइफ टाइम के लिए होता है। एक बार आप खरीद लेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।